हेलो गाइस, आई होप अच्छे होंगे गाइस। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टू ISP को कैसे लोड बैलेंसिंग करते हैं हम FortiGate फायरवॉल में। ओके गाइस, सो हम ये लैब है हमारा और लैब हमने क्रिएट किया है और बेसिकली हमें इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ेगा। सपोज आपने दो ISP कनेक्टिविटी लिया, एक सपोज आपका एयरटेल का है, एयरटेल का है, ए BSNL का है। कंपनी में होता है ना कि दो ISP हमें लेना है। सपोज एक आपका ISP डाउन हो गया तो दूसरे ISP से आपका ट्रैफिक मूव होगा कोई भी डिस्टर्ब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, सो गाइस चलते हैं, हम एक बार कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं कैसे कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम दो ISP लिया है। हम बेसिक लैब के लिए आप इस तरह से नॉर्मली हमने दो ISP यहाँ से लिया है, एक ISP हमने पोर्ट 2 पे कनेक्ट कर दिया, एक ISP का लिंक हमने पोर्ट 1 पे कनेक्ट कर दिया। आइदर आप फिजिकल पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर आप POE पावर ऑफ ईथरनेट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम चलते हैं इसके लैब पे। FortiGate फायरवॉल के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखा हूँ कैसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे इंटरफेस पे चलते हैं, हमने IP देख लेते हैं क्या हमारा IP है और DHCP से जो IP हमें मिलेगा, दो IP हमें ISP का DHCP से हम सेट कर रखे हैं। IP इधर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, इधर आप DHCP अनेबल कर सकते हैं ताकि आपको IP प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ से VM से। ओके गाइस, इसको लॉक करने दीजिए मुझे। यहाँ एडमिन सो सिस्टम इंटरफेस, आप देख सकते हैं एक पोर्ट 2 पे हमारे DHCP का IP मिला है और एक पोर्ट 1 पे हमें DHCP का IP मिला है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया सिस्टम कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। ये कमांड लाइन से अगर किसी पोर्ट नंबर को IP देना है आपका, सपोज पोर्ट नंबर 1 को हम IP दे रहे हैं या 2 को IP दे रहे हैं, इसी इंटरफेस के अंदर जाना है, एडिट डालना है, पोर्ट नंबर डालना है, जो पोर्ट नंबर आपको सेलेक्ट है, सपोज मैंने 1 लिया एंड सेट मोड DHCP, बस तैसे एंटर करके आपको एग्जिट होके बाहर आ जाना है। राइट, ओके गाइस, ये हो गया आपका, बस कुछ नहीं करना है आपको, इंटरफेस के अंदर जाना है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस के अंदर जाना है, उसके इंटरफेस के अंदर जाएंगे आप, एडिट पोर्ट नंबर जो आपको चाहिए वो पोर्ट नंबर आप सेलेक्ट करेंगे स्क्रॉल डाउन करके, उसके बाद सेट मोड करके DHCP या स्टेटिक डालना है। तो यहाँ DHCP नहीं लिखेंगे तो हम स्टेटिक लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आपको POE डालना है तो POE का आप नाम दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपको एंड कर देना है, एंड मतलब आपका सेव हो जाएगा। एडमिन सो सिस्टम इंटरफेस करके हम देख लेते हैं क्या हमें। ओके गाइस, दो हमें इंटरफेस है, दो इंटरफेस पे हमें जो IP मिली है ये है आपका। उसके बाद हमें क्या करना है, हम चलते हैं इसके FortiGate पे फायरवॉल पे। और गाइस देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरफेस पे हमने दो इंटरफेस पे IP जो दिया है, हमने दो इंटरफेस पे IP दे दिया, इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 पे ऑलरेडी IP पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको ओपन करके आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले करते थे वैसे ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है। ये ऑलरेडी DHCP से IP मिला है, यहाँ वैन सेलेक्ट किया, वैन है वही वैन 1 और वैन 2 कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। मेन आपको जो कंसेप्ट समझना है ना वहाँ SD वैन के ऊपर समझना है, SD वैन के ऊपर, कि SD वैन के थ्रू ही आपका सारे वर्चुअलाइजेशन हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम SD वैन पे आए, SD वैन में हमने क्या किया कि दो IP दो पोर्ट जो था हमारा, ये जो दो पोर्ट था पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया। पोर्ट 1 को यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके यहाँ इंटरफेस पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हम ऑलरेडी 1 और 2 हमने ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे आपको अपीयर नहीं आ रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है। और बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 को 3 को करना है, 3 को सिलेक्ट करना है एंड देन ओके कर देना है। सेम चीज़ें हमने यहाँ पे किया है ताकि आपको टाइम की सेविंग हो जाएगी। ओके, और उसके बाद हमें SD वैन हमें दो क्रिएट करके इसको हमें SD वैन एक सेलेक्ट कर दिया, देन उसके बाद चलते हैं हम वैन रूट पे, वैन रूल्स पे जाएंगे, इम्प्लिसिटी एक वैन रूल होगा उसको हमने क्लिक करना है, देन हमें वैल्यू पे जानी है, वैल्यू पे जाके पोर्ट 1, अगर सपोज मानिए पोर्ट का स्पीड अच्छी है,
सपोज मैंने ये BSNL एयरटेल का है, एयरटेल की स्पीड अच्छी आ रही है आपको, तो इसको हम 80% यूटिलाइजेशन दे देंगे, हम 80% सबसे यूटिलाइजेशन वो करेगा और 20% हम सेकेंडरी को दे देंगे, प्राइमरी हमारा 80% रहेगा, सेकेंडरी को 20% रहेगा, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो मोमेंट होगी आपको इससे होगी, वैन पोर्ट वन से, ओके गाइस, एंड देन हम इसको ओके कर देंगे। और ये हमने एक बनाया है, आपको मैं समझा देता हूँ, फर्स्ट में हमने एसडी वैन इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ओके गाइस, एसडी वैन इंटरफेस आपको बता दिया कैसे क्रिएट करेंगे। सेकंड में एसडी वैन लोड बैलेंसिंग कर दिया हमने, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, इसको बोलेंगे आपको ना लोड बैलेंसिंग हमने कर दिया, अगर 50-50 रखना है तो आप 50 कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ भी 50 कर सकते हैं, आपको 50-50 लोड शेयरिंग होगा। तो हमने बोला कि नहीं इसका स्पीड अच्छा है तो हमें इसको 20 और 80 कर देते हैं, ओके गाइस, तो इसको हम लोड बैलेंसिंग बोलते हैं, एंड देन ओके कर दिया। अब सेकंड थर्ड नंबर में हमें करना है क्रिएट द स्टैटिक रूट, हमने स्टैटिक रूट बनानी है एक, तो हम चलते हैं स्टैटिक रूट पे ताकि कोई भी ट्रैफिक आए और लोड बैलेंसिंग से मूव हो जाए। हमने ये स्टैटिक रूट क्रिएट किया, यहाँ बाय डिफॉल्ट आप किसी भी इंटरफेस से, सपोज हमें इंटरफेस वन से निकालना है तो इंटरफेस वन पे आएगा तो एक ही पोर्ट से निकलेगा वो। अगर हम यहाँ पे रूल पे एसडी वैन जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे वैन जो हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे हमने अलाउ कर देंगे तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो दो आ जाएगा ना आपका, यहाँ पे आ रहा है ना दो अपने मेंबर में वन और टू, हमने मेंबर बना दिया ना दोनों का, तो ये मेंबर वन और मेंबर टू में आ गया और इसको हमें ओके कर देना है बस, और कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया आपका स्टैटिक रूट क्रिएट हो गया। देन फोर्थ नंबर में चल रहे कन्फिगर द सिक्योरिटी पॉलिसी, एक हमें सिक्योरिटी पॉलिसी हमें अलाउ करनी पड़ेगी ताकि कोई भी ट्रैफिक अगर इनसाइड टू आउटसाइड जाए तो एसडी वैन के थ्रू जाए वो, ओके हमने पॉलिसी पे आया, पॉलिसी पे हमने इसमें भी क्रिएट कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक वही कन्फिगेशन हमने डाली है, इंटरनेट एक्सेस करना है तो लाइन को हमने, ये हमारा लाइन साइड है जो इनसाइड है उसको हमने लाइन फोर को सिलेक्ट कर दिया, एंड आउटगोइंग में हमने एसडी वैन को सिलेक्ट किया है, एसडी वैन हमने ऑलरेडी मेंबर बनाई थी वो यहाँ दिख रहा है, सोर्स में ऑल रहेगा, डेस्टिनेशन में भी ऑल रहेगा, शेड्यूल में भी आपका ऑलवेज रहेगा, एंड सर्विस में ऑल रहेगा, एंड देन यहाँ पे आपको पॉइंट एक्शन में आपको एक्सेप्ट एंड डिनाई करना है अकॉर्डिंग टू यू, हमने एक्सेप्ट किया है इसको ताकि हमारा इनसाइड ट्रैफिक आउटसाइड ट्रैफिक मूव हो सके, और ये ऑल द सेशन आप कर सकते हैं इसको चेक मार्क सो दैट कि आपका जो भी ट्रैफिक मोमेंट हो वो सारे के सारे रिकॉर्ड कर सके, कैप्चर करें, एंड देन ओके करना है। उसके बाद हमें फिफ्थ नंबर में क्या है, कॉन्फ़िगर द लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग करना है, जो कि हमें आपको इंटरस में जाना है, नेटवर्क में जाएंगे, हम नेटवर्क में जाके ये परफॉर्मेंस सिलसिले में आएंगे, एंड देन हमने एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है आपको दिखाया, इतने कुछ नहीं करना है हमें, सपोज मान ली एक सर्वर का आईपी है 8.8.8, हमने गूगल का आईपी को हमने लिंक मॉनिटरिंग पर डाल दिया, और यहाँ से आप इसको हटा दें और हम फिर से आपको सेलेक्ट करके बता देते हैं, 1 2 दो लिंक है, हमने दोनों लिंक मॉनिटरिंग करना है कि कितनी ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है इसके थ्रू और कितना इंटरनेट यूज हो रहा है वो आपको दिख जाएगा, बाकी इसमें कुछ और नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिंक के स्टेटस में इंटरनल है, फेल ओवर है, एक वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए सेपरेट गाइज, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, और हमें ओके कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ट्रैफिक, देन आपका सारे कन्फ्यूजन डन हो गया, आप देख सकते हैं साइड 5 जो था कन्फ्यूजन हमारा डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, चलना है इस पीसी पे जो कि पीसी हम ऑलरेडी एक्सेस किए हुए हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, गूगल का जो DNS उसको हम पिंग कर रहे हैं, देखिए गाइस हमारा जो इंटरनेट है एक्सेस है, हम चलते 48 फायरवॉल पर, हम ट्रैफिक मोमेंट देखते हैं, देखिए कितना ट्रैफिक अब मूव हो रही है, ये जो ग्रीन है ग्रीन को हमने 80% दिया है और जो येलो कलर का ये जो आ रहा है उसको हम 20% दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है वो आपको ग्रीन साइड से ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये नीचे जो ट्रैफिक आपका जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक आपका मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, आपको ट्रैफिक जो मूवमेंट हो रहा है वो सब कुछ दिखा रहा है आपको। सो गाइज ये आपका रहा हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू टू ISP कनेक्ट विद इन फायरवॉल FortiGate फायरवॉल। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा ट्रैफिक जो है मूवमेंट हो रहा है और इससे हमारी ISP 1 ISP 2 से हमारा ट्रैफिक जो है मूव हो रहा है। सो ये आपका है प्रैक्टिकल है टू ISP को कैसे हम कन्फिगर करते हैं FortiGate फायरवॉल में, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके थ्रू हम कन्फिगर करते हैं, तो हमने SD-WAN के थ्रू इसको
मेंबर बनाया, और मेंबर बना के हमने एक रूल बनाया, या रूल में एक परफॉर्मेंस हमने क्रिएट किया ताकि हम उस चीज़ को देख सके एक अपना। और तीसरी आपको ये हम ऑलरेडी शेयर करेंगे, ये आपको हम शेयर कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, देन आपका कॉन्फ़िगरेशन रन हो जाएगा। अगर आप वीएम पे कॉन्फ़िगरेशन करने का ही, तो आप सिंपल है, दो आईएसपी लीजिए, यहाँ पे दो आईएसपी आई मीन ये आपका मैनेजमेंट मैनेजमेंट लीजिए, क्लाउड मैनेजमेंट क्लाउड लीजिए, दो मैनेजमेंट क्लाउड लीजिए, और दोनों का इंटरफेस अलग अलग लीजिए, 1 और 2 का, एंड देन इस पर आपका डीएससीपी अनेबल कर दीजिए, और आपको ये 48 फायरवॉल को डीएससीपी से आईपी मिल जाएगी, एक को ISP 1 कर दीजिए, एक को ISP 2 कर दीजिए, या नाम देना है इधर आप नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उसके बाद आप बेसिक ये लाइव कर सकते हैं आप इजीली, आपको अच्छा समझने में भी आपको अच्छा रहेगा, हमने आपको बेसिक चीज़ें समझा दिया है कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है गाइस। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।